मध्य प्रदेश की देवास पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक बदमाश को पकड़ा है। वहीं गिरोह के बाकी के 4 सदस्य फरार हैं। पुलिस बाकी के आरोपियों की तलाश कर रही है। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम में रुपए लगाकर जीत का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी गिरोह ने की है। यह गिरोह हर महीने 20 करोड़ और साल में 240 करोड़ रुपए कमाता था। देवास एसपी चंद्रशेखर सोलंकी ने कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 26 अप्रैल को धर्मेंद्र निवासी शिवाजी नगर इंदौर ने शिकायत की थी कि संजय शर्मा ने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम में रुपए लगाने की बात कही। संजय ने कहा था कि यह गेम मैं सिखा दूंगा। इस गेम में बड़े बड़े इंजीनियर अरुण सोमन और लेस्ली थॉम्सन है। सिद्धार्थ चौरसिया और उसका भाई अविनाश चौरसिया की बनाई हुई कंपनी में ये इंजीनियर काम करते हैं, जिसके बाद गेम डाउनलोड कर आईडी और पासवर्ड दिया। इस अंक पर सबसे अधिक रुपए लगाता था वो नहीं खुलता था, जिससे खेलने वाला रुपए हारता जाता था। इस मामले में एएसपी कन्नौज डॉक्टर नीरज चौरसिया के निर्देशन में बागली थाना प्रभारी अमित सोनी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने आरोपी सिद्धार्थ चौरसिया निवासी रिगारिया बिल्डिंग थाना कापूरबाड़ी जिला थाने महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सिद्धार्थ ने अपने अन्य साथी अरुण सोमन लेस्ली थॉम्सन निवासी कोची केरल के साथ संचालित करना बताया है। इस ऑनलाइन गेम के गिरोह में उसका भाई अविनाश चौरसिया दोनों निवासी थाने और मुंबई और संजय शर्मा शामिल है। ऑनलाइन गेम पर ठगी करने वाले गिरोह के आरोपी सिद्धार्थ चौरसिया ने 2012 में कोटक महिंद्रा बैंक में नौकरी करता था। नौकरी छोड़ने के बाद ऑनलाइन गेमिंग से धोखाधड़ी कर जमीन फ्लैट कार एवं हालैंड कॉमर्शियल पोस्ट कॉलोनी ऑफिस भी खोल लिया। इस गैंग ने मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल में कई लोगों को ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी की है। आरोपियों द्वारा फर्जी सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा अपने गेम का सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया था, जो पार्टनर भी है। कंपनी लोगों को ऑनलाइन ठगी के नाम पर 20 करोड़ रुपए प्रति माह और सालाना 240 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए शातिर बदमाश से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। और कौन इसमें मुख्य आरोपी और किस तरह से लोग किस वारदात को अंजाम दे रहे थे अभी तक? आज जिला देवास पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कॉन्फ्रेंस एक आयोजित की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें आरोपी सिद्धार्थ चौरसिया, जिसको बागली पुलिस थाने ने अरेस्ट किया है, इसमें धर्मेंद्र पिता मुन्नालाल के द्वारा आवेदन दिया गया था कि मेरे साथ ऑनलाइन गेमिंग में ठगी हो रही है। इस पूरे आवेदन के आधार पर 26 अप्रैल 2019 को थाना बागली में अपराध 420, 465, 468, 471, 120 में पंजीबद्ध किया गया था। इसके द्वारा दिए गए आवेदन और निशानदेही के आधार पर 5 आरोपियों के विरुद्ध ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिनके नाम है सिद्धार्थ चौरसिया, अविनाश चौरसिया, दोनों निवासी थाने मुंबई के हैं, अरुण सोमन, लेस्ली थॉम्सन निवासी कोची, संजय शर्मा निवासी इंदौर। इसमें आरोपी सिद्धार्थ चौरसिया, जो इस कंपनी, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम इन्फोकॉम सॉफ्टवेयर कंपनी, उसका मालिक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। सिद्धार्थ चौरसिया और उसके साथी ऑनलाइन गेमिंग चलाते थे, जिसमें इनका टर्नओवर प्रति माह लगभग 20 करोड़ के आसपास था। इस आधार पर साल भर का टर्नओवर 240 करोड़ रुपए बनता है। ये भोले भाले लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से फंसा कर उनके साथ जालसाजी करते थे और इस तरह से नंबरों की हेराफेरी करते थे। यदि व्यक्ति ज़्यादा पैसा लगाता था तो सॉफ्टवेयर में वो आदमी पैसा हार जाता था। इस तरह की जब फरियादियों ने कंप्लेंट की, उन्होंने टीम बनाई एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया के नेतृत्व में और एसडीओपी एसएल सिंह मार्गदर्शन में टीम हमारी बनाई गई। विभिन्न टीमों को भेजा गया, एक टीम कोची पहुंची, दूसरी टीम थाने मुंबई पहुंची। आरोपियों को वहां से अरेस्ट किया गया, उठाया गया, उनके सारे दस्तावेज, उनकी हार्ड डिस्क, उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल जब्त किए गए हैं। इन आरोपियों पर, जो शेष आरोपी, उन पर भी सिर नकेल कसी आएगी, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर, आरोपी पर पूर्व में भी कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है? जी हाँ, आरोपियों पर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में धारा 307 के प्रकरण पंजीबद्ध है। जिस पृष्ठभूमि का ये आरोपी है, उससे ऐसा प्रतीत होता है अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रकरण इस पर पंजीबद्ध होना चाहिए। हम अन्य राज्यों से बात करके यदि इस पर कोई आपराधिक अन्य प्रकरण भी दर्ज है, उनको भी हम इसमें इसको दर्शित करेंगे। टीम को दिया जाएगा? बिल्कुल, इसमें टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। मैं एडिशनल एसपी डॉक्टर नीरज चौरसिया, हमारे एसडीओपी एसएल सिसोदिया, उनको प्रशंसित करता हूं। और जो टीम जिसने कोची जाकर, थाने जाकर और लगातार दिन रात मेहनत करके इस बड़े खुलासे को, उन इन बड़े अपराधियों को जो इस तरह से भोले भाले
ग्रामीण पृष्ठभूमि के और खासकर पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोगों को निशाना बना रहे थे उनको पकड़ा है। ये सब एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है इस क्षेत्र के, ये सब बधाई के पात्र हैं और इसमें उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को नगद इनाम से भी दिए पुरस्कृत किया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।